भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नूपुर शर्मा और निलंबित नवीन कुमार जिंदल के समर्थन में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया और हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इन संगठनों ने निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास पहले से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर दर्जनों लोगों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन के लिए अड़ गए। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों ने निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस से उलझते भी दिखे और पुलिस के मना करने के बावजूद विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बस में भरकर ले गए। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो लोग नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के साथ हैं। क्या आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है? क्या हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर मारने वाले लोग ज्यादा आपको पसंद है। मैम क्या इस तरह चाहिए? कोई तो जवाब दो। मैम प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग, क्या कुछ रहा? पुलिस ने डिटेन भी कर लिया आप लोगों को? सबको उठा के ले जा रही पुलिस। एक्चुअली मैं जब अपना नाम बनाया मैडम पूरा सिंह बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष, तो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची थी, क्या क्यों प्रोटेस्ट करने पहुंची थी? देखिए एक बहन हिंदू हमारी सेवी है, कुछ भी बोला है वो कुछ गलत नहीं बोला। सभी हिंदू संगठन एक होने वाले हैं और शायद इनकी फोर्स कम पड़ जाएगी लेकिन हिंदू कम नहीं पड़ेगा। आज के दिन के प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग हैं, कौन से संगठन इस पर? मैं बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष दहली से हूँ और जो अभी गए हैं आप ही भाई हैं। प्रिया सिंह।